हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल कार मेनिया 4x4 में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लाए हैं नेक्सॉन XM 1.2 लीटर पेट्रोल वेरिएंट का डिटेल रिव्यू। तो स्टार्ट करने से पहले, जिसने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले प्राइस के बारे में बात करते हैं। तो प्राइस 6.36 लाख से लेकर 10.8 लाख तक प्राइस जाता है एक्स शोरूम न्यू दिल्ली। वेरिएंट की बात करें तो 22 वेरिएंट आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी यूज रेंज आपको मिल जाती है वेरिएंट्स की, अलग अलग पेट्रोल और डीजल में। 6 कलर ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, ब्लू, ग्रे, ऑरेंज, वाइट, रेड और सिल्वर कलर। पेट्रोल इंजन की बात करें तो 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन आपको मिलता है, 3 सिलेंडर का, 1198 सीसी, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 109 bhp का और 170 nm का टॉर्क, जो कि आपको 6 स्पीड मैनुअल गेयरबॉक्स और AMT के साथ में भी मिल जाएगा। माइलेज की बात करें तो आपको 17.8 के MPL ARAI सर्टिफाइड माइलेज मिल जाता है पेट्रोल में। और वहीं अगर डीजल की बात करें तो 1.5 लीटर का टर्बो चार्ज यानी कि 1497 cc का इंजन आपको मिल जाता है 108 bhp और 260 nm के टॉर्क के साथ, जो कि 21.5 के MPL ARAI सर्टिफाइड माइलेज दे देता है। चलिए अब डायमेंशन की बात कर लेते हैं। तो लेंथ में आपको 3994 mm, विड्थ 1811 mm, हाइट 1607 mm और 209 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है इसके साथ में। और व्हील बेस की अगर बात करें तो 2498 mm, वेट की बात करें तो 1250 किलो का कर्व वेट आपको इसके साथ मिल जाता है। 16 इंच के व्हील मिल जाते हैं आपको व्हील कवर के साथ में। इस वेरिएंट में आपको सेंसर्स भी प्रोवाइड करे गए हैं, कैमरा आपको नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ सेंसर्स आपको दिए गए हैं। 195/60 के ट्यूबलेस टायर आपको मिल जाते हैं R16 व्हील्स के साथ में। सेफ्टी की बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें आपको ABS, EBD और डुअल एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं नेक्सॉन में। इस वेरिएंट के अगर फीचर्स की बात करें सेफ्टी फीचर्स में, तो आपको पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट वार्निंग, इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, पार्क असिस्ट, एंटी थेफ्ट डिवाइस जैसे फंक्शंस मिल जाते हैं। चारों पावर विंडो आपको मिल जाती है। इंटरनली एडजस्टेबल आपको मिरर्स मिल जाए हैं, ORVMs फोल्डेबल नहीं मिलते हैं। स्कूप सीट्स मिलती हैं आपको, जो काफ़ी अच्छा आपको ग्रिप देती हैं और काफ़ी कम्फर्टेबल हैं। फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलती है आपको, यहाँ पर की के होल के पास में आपको इल्यूमिनेशन मिल जाता है। 3 स्पोक स्टेयरिंग व्हील आपको मिल जाता है, ब्लैक क्रोम का यूज़ किया गया है और क्रोम का टाटा का लोगो आपको मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक साइड पे आपको टैकोमीटर और एक जगह स्पीडोमीटर आपको मिल जाता है। बाकी सारी चीज़ें सेम है। स्टेयरिंग व्हील पर आपको कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ छोटी सी डिस्प्ले दी गई है, टच स्क्रीन आपको XM वेरिएंट में नहीं मिलती है। मैनुअल AC मिल जाता है आपको, बूट रिलीज का ऑप्शन मिल जाएगा यहीं से। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन रिवर्स के साथ में आपको गियर मिल जाता है। यहाँ पर आपको ड्राइव ऑप्शन मिल जाते हैं इस वेरिएंट में भी, जो कि एक काफ़ी अच्छा टच है। USB और AUX का पोर्ट मिल जाता है। यहाँ पर 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाता है देखने के लिए। सिस्टम की बात करें तो 4 स्पीकर का हार्मन कार्डन का सिस्टम मिल जाता है आपको, CD प्लेयर, AUX, AM, FM, ब्लूटूथ के साथ में। नॉर्मल रियर व्यू मिरर मिलता है, डे नाइट फंक्शन नहीं मिलता है आपको इस वेरिएंट में। LED लाइट्स मिल जाती है, यहाँ पर स्पेस मिल जाता है, लेकिन आपको सनग्लास होल्डर जैसा ये आपको नहीं मिलेगा, नॉर्मल फिक्स होता है ये। सनशेड पर आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है। को पैसेंजर साइड, ड्राइवर साइड में आपको टिकट होल्डर मिल जाता है। ओवरऑल स्पेस की बात करें तो 5 लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन गाड़ी है ये, और एक सेफेस्ट कार का भी अवार्ड इसको मिल चुका है। काफ़ी सेफ कार है, जैसे कि आप लोग पहले ही जानते हैं। 4.5 NCAP रेटिंग के साथ में आती है टाटा की नेक्सॉन। पीछे आपको कप होल्डर्स नहीं मिलेंगे। इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट मिलते हैं, एडजस्टेबल नहीं मिलेंगे। बेंच फोल्डिंग सीट मिल जाती है। पीछे आपको AC वेंट्स नहीं प्रोवाइड करे जाते हैं। कुछ इस तरह दिखता है फ्रंट का डैशबोर्ड XM वेरिएंट का। क्योंकि प्राइस रेंज के हिसाब से अगर बात करें तो काफ़ी ठीक ठाक है। सिग्नेचर हेडलैम्प मिल जाती हैं। पीछे बूट का ऑप्शन यहाँ से ओपन करने का नहीं दिया गया है, आप की से या फिर यहाँ से ओपन कर सकते हैं इसको।
क्रोम की जगह पे आप देख सकते हैं वाइट स्ट्रिप मिल जाती है आपको बूट पे, काफ़ी यूज बूट दिया गया है। यहीं पर आपको स्पेयर व्हील भी देखने को मिलता है, टूल किट देखने को मिलेगी। लगेज लैंप की बात करें तो यहाँ पर आपको वो अवेलेबल नहीं मिलेगी। और बूट स्पेस की अगर बात कर लेते हैं तो लगभग 350 लीटर का आपको बूट स्पेस यहाँ पर मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये हमारी वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आपको इसके किसी और वेरिएंट के बारे में जानकारी चाहिए तो हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए सेफ ड्राइव एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अस एंड हैप्पी होली।